नमस्कार, पंजाब की सीटीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जी दोस्त, धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में इस वक्त बारिश जो है वो हो रही है और देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है। जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि आज बारिश और गर्जन के साथ अलर्ट जो है वो जारी किया था। इसी बीच अगर हम अभी की बात करें तो फिलहाल ये कचहरी की तस्वीरें हैं और आप देख पा रहे हैं कि झमाझम लेक जो है वो बरस रहे हैं। अब फिलहाल ये बारिश हो रही है, इससे अगर हम धर्मशाला की बात करें तो उस तापमान में भी गिरावट जो है दर्ज की गई है। वहीं मैकलोडगंज की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री और अगर धर्मशाला की बात करें तो 12 डिग्री जो है वो तापमान इस वक्त दर्ज जो है वो किया जा रहा है। वहीं जिस तरह से ये मौसम ख़राब हुआ है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उस जिला कांगड़ा की बात करें तो 28 डिग्री जो है वो तापमान पहुँचा है, यानी कि गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। वहीं जहां अगर जिला कांगड़ा की बात करें 30 के ऊपर यानी कि 35 तक जो है वो तापमान पहुंचा था, तापमान में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई थी। इसी बीच जिस तरह से मौसम ये सुबह से ही ख़राब बना हुआ है, उसके बाद देखिए किस तरह से मौसम जो है वो उसमें तापमान में गिरावट आई है और इस वक्त जो है वो काफ़ी ठंड अगर शहर की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हवाओं के साथ ये बारिश जो है वो शुरू हुई है और प्रदेश भर में आज से मौसम जो है वो ख़राब बना रहने की पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। ये नई तस्वीरें और जिस तरह से ये बारिश जो है वो हो रही है, इस बारिश ने कहीं ना कहीं बागवान और किसानों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ा दी है। हाँ, मैं आपको बता दूं क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो गेहूँ जो है वो पक चुकी है, खेतों में जो है काटने शुरू कर दी गई है। ऐसे में देख सकते हैं तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है और उनकी जो गेहूँ की जो फसल है कहीं ना कहीं तबाह होती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि अगर हम बात करें बागवानी की तो बागवानी भी देखिए काफ़ी परेशान है। अगर हम सेब की फसल की बात करें तो जो पेड़ थे उसके ऊपर फूल आने शुरू हुए थे और हल्की जो पैदावार है वो शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये तेज़ तूफान और ओले ओलावृष्टि जो है वो हो रही है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है उनकी बड़ी है। वहीं इसी तरह अगर हम बात करें आम की फसल की तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार जो आम की खेती है वो ज़्यादा होने की उम्मीद है और पैदावार जो है वो अधिक होगी, जिससे जो बागवान है वो काफ़ी खुश जो है वो नज़र आ रहा था। लेकिन बात करें जिस तरह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है, उनकी दिक्कतें भी जो है वो बढ़ गई हैं। लगातार बारिश का दौर जो है वो अगर धर्मशाला की बात करें तो जारी है। सुबह से ही हल्की बारिश जो है वो होने शुरू हो गई थी और इसी बीच अगर अभी की बात करें तो अभी आप देख पा रहे हैं कचौरी का चौक है और यहाँ से हम लाइव तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं। और जिस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, मैं आपको बता दूं आज जो सारा दिन जो है वो अलर्ट जारी किया है और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आज सारा दिन मौसम जो है वो खराब रहेगा। ये लाइव तस्वीरें धर्मशाला से हम आपको साझा जो है कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हिमपात और बारिश जो है वो हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब ऐसे में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब तापमान में गिरावट आई है और मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ऊना की अगर हम बात करते हैं तो 40 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया था तापमान और ऐसे में जो ऊना है वो भी चलने जो भी शुरू हो गई थी। अब इसी बीच जिस तरह का मौसम है और जिस तरीके की ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम ख़राब बना हुआ है, तापमान में जरूर गिरावट आई है और मौसम जो है वो फिलहाल कूल हुआ है। देख पा रहे लाइव तस्वीरें विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया है। 1 मई तक मौसम जो है वो पूरी तरह से खराब बना रहेगा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये धर्मशाला की है और धर्मशाला में मौसम जो है वो
ज़रूर ठंडा हुआ है, लेकिन देखिए दिक्कतें भी ज़रूर लोगों की बड़ी है। मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ओलावृष्टि भी जो है वो शुरू हो गई है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो गर्जन के साथ ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। फिलहाल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है, और जिस तरह से गर्जन बताई गई थी, गर्जन के साथ बारिश बताई गई थी, फिलहाल वो यहाँ पर नहीं हो रही। ओलावृष्टि भी यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है, परंतु अभी की बात करें तो आप ये देख पा रहे हैं पूरी तरह से मौसम जो है वो ख़राब बना हुआ है। तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। ये हवा में लहराता, बारिश में लहराता राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। बादल देख सकते हैं कि आसमान में कितने घने बादल जो है वो इस वक्त छाए हुए हैं, और बादल के चलते ये धुलाधार की पहाड़ियाँ जो है वो देख सकते हैं पूरी तरह से छिप चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर भी हिमपात जो है वो हो रहा है। फिलहाल तो चलिए दोस्तों इस लाइव से इतना ही, मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और लाइव में। नमस्कार।